आप बताइए, फौजी तो अफसर तो परमानेंट और जवान जो है वो ठेके पे, इस देश की नींव को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि जो फौज है हमारे देश की नींव है उसको कमजोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमारा अखंड भारत है। किस बात की गारंटी लेते हैं मोदी जी, जब 7 फेरे लिए थे तो 7 वचन भी दिए थे यशोदा को, वो छोड़ दी। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को बेच रही है, जो 70 साल में इस देश ने कमाया था उसको बेचने लग रही है। जो ये जो कौशल निगम है ये तो एक छलवा है, इसमें जो है एक साल के लिए केवल नौकरी देते हैं, उसके बाद अपने घर भेज देते हैं। मैं समझता हूँ कि इस बार कि अपने अभिमन्यु भी सुन लें और खट्टर साहब भी सुन लें और नायब सैनी भी सुन लें, इस बार कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनेगी। छत्तीसगढ़ में 35 सीट आई है हमारी और वहाँ पर जो है 16 जगह 300 से कम हार हुई है, तो वो किसका कमाल है? ईवीएम का कमाल है। जिन लोगों की टिकट काट दी पिछली बार, मेरिट के आधार पर टिकट नहीं दी, वरना हमारी 51 सीट आनी थी पिछली बार। नमस्कार, मैं हूं कोमल राव, आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन कैप्टन अजय सिंह यादव ने 16 दिसंबर को रेवाड़ी के रेजांगला पार्क में होने वाले शौर्य सम्मान समारोह के लिए आज जब 10 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मूल विषय के अलावा भी बहुत कुछ कह दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत वैवाहिक जीवन पर गारंटी की आड़ में जहां तीखा कटाक्ष किया, वहीं ईवीएम पर भी गंभीर सवाल उठाते हुए छत्तीसगढ़ का उदाहरण दे डाला। हरियाणा में कौशल विकास निगम की भर्तियों पर उठाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सवालों को सही ठहराया। अब पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई कैप्टन यादव की बातें सुनिए और इसके बाद सुनिए पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारी जो रेजांगला शहीद समारोह समिति है और विजय दिवस, दोनों की हमारी ज्वाइंट जो है के नाम से समिति है। हम जो है 1988 से हमने सैनिक स्कूल बचाओ संघर्ष समिति बनाई थी, तब से हमें ये हमारी समिति जो है ये बनी थी। और आप सब लोग जानते हैं कि सोनिया गांधी जी जब यहाँ रेवाड़ी आई थी, जब राजीव गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया था तो सैनिक स्कूल की घोषणा की थी, जिसके तहत आज सैनिक स्कूल आपके यहाँ चल रहा है, जिसमें 2 बच्चे इस बार एनडीए में भी सिलेक्ट हुए हैं। और हम हर साल या तो 18 नवंबर को जो रेजांगला दिवस है, 18 नवंबर को जो है 1962 में 114 नौजवान जो एक 13 कमाऊ रेजिमेंट के मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में चीन की फौज से लड़ते हुए 114 जवान हमारे शहीद हुए थे, सारे अहीर थे। और मेजर शैतान सिंह भाटी जो हैं वो राजस्थान के थे, आखिरी व्यक्ति आखिरी गोली तक जो है वो लड़े और 1300 चीनियों को मौत के घाट उतारा बैनर से और हाथों से जो है जब ख़त्म हो गया, और उनकी वजह से लद्दाख बचा। ये जो लड़ाई थी ये 18,000 फीट पे हुई थी और उनके पास ना प्रॉपर जूते थे ना उनके पास पूरा एम्यूनेशन था, उसके बावजूद भी जो अद्भुत लड़ाई लड़ी वो देश के जो है स्वर्ण अक्षों में लिखी जाएगी। और इसके अलावा आप सब लोग जानते हैं कि 1971 में जब मुजीब रहमान जी के साथ अत्याचार शुरू हो गया था, नरसंहार हो रहा था बंगालियों का और बहुत सारे शरणार्थी हमारे देश में आने लगे थे, तो उस वक्त श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने स्वयं मानेकशॉ जी को आदेश दिए थे कि आप जो है जब हमारे पे अटैक हुआ, सबसे पहले पाकिस्तान ने अटैक किया हमारे ऊपर, उसके बदले में आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के जैसे मक्खन से छुरी डाल के 2 हिस्से कर देते हैं, ऐसे पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए। और मुजीब रहमान जी को वहाँ का प्रधानमंत्री बनाया, 1 लाख सैनिकों ने
आत्मसमर्पण किया, वो सही विजय दिवस था। कारगिल का भी विजय दिवस है, उसको भी विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, उसमें भी हमारे जवानों ने शहादत दी थी। आप सब लोग जानते ही हैं कि उसमें भी योगेंद्र यादव को परमवीर चक्र मिला था, 1971 में बबरू भान यादव को और चमन सिंह यादव को महावीर चक्र भी मिला था, और योगेंद्र यादव को परमवीर चक्र मिला। तो यहाँ के लोगों ने हमेशा देश के लिए शहादत दी है, और इसमें जो 1962 की लड़ाई थी, इसमें कई लोगों को वीर चक्र मिला, और महावीर चक्र जो है मेजर शैतान सिंह जी को मिला। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग हमेशा इस दोनों, या तो 18 नवंबर को या 16 दिसंबर को, 18 नवंबर में क्योंकि इस बार चुनाव थे तो हमने फिर 16 दिसंबर को किया, इससे पहले हमने 18 नवंबर को किया था। तो हम ये कार्यक्रम करते हैं जिसमें जो हमारी वार विडोज हैं उनको सम्मानित करते हैं, स्पोर्ट्स के अंदर हो, एजुकेशन में हो, किसी और क्षेत्र में कोई अच्छा इंडस्ट्री जिसने स्क्रैच से काम किया हो, एनडीए में हमारे दो हमारे अभी लड़के सेलेक्ट हुए हैं यहाँ सैनिक स्कूल से, तो इस जिस तरीके से कोई आईआईटी में, आईआईएम में, नए नीट नेट में जो मेरिट लेते हैं, तो ऐसे लोगों को हम सम्मानित करते हैं हर साल, इस बार भी कर रहे हैं। और देखो जी, इस सरकार की एक अचीवमेंट है, वन रैंक वन पेंशन तो दिया नहीं, अब कर दिया नो रैंक नो पेंशन। ये कहते हैं मोदी की गारंटी। यहां पर आए थे 2014 में, वन रैंक वन पेंशन की बात कही थी, वो तो गई पता नहीं कहां बात। आज तक हमारे फौजी भाई लड़ रहे हैं वन रैंक वन पेंशन के लिए। नौकरी कर दी 4 साल की, जहां भर्ती 40,000 होती थी, साल 1,00,000 होती थी, उसको घटा के 40,000 कर दी। इसमें से 25,000 हर साल 4 साल के बाद अपने घर आ जाएंगे, 15,000 केवल सैनिक हमारे 1 साल में भर्ती होंगे देश में। हम लड़ाई हमारी चीन से है, जिनकी सेना सबसे बड़ी सेना आज भी है। आप अपनी सेना की नफरी कम कर रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हैं, क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? जो नींव है, कभी आप बताइए, फौजी तो अफसर तो परमानेंट, और जवान जो है वो ठेके पे। इस देश की नींव को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि जो फौज है हमारे देश की नींव है, उसको कमजोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमारा अखंड भारत है। इनके पास कोई काम नहीं है। नेहरू जी को, इंदिरा जी के बारे में गलत बयानबाजी करना, इस देश को अखंड भारत बनाने का काम अगर किसी ने किया था तो सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये लोग जो हैं लोगों को गुमराह करते हैं। किस बात की गारंटी लेते हैं मोदी जी, जब 7 फेरे लिए थे तो 7 वचन भी दिए थे यशोदा को, वो छोड़ दी, उसकी गारंटी कौन लेगा? ये मोदी जी की गारंटी है। तो ये लोग जो हैं, क्या मैं चाय बेचता था, आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को बेच रही है, जो 70 साल में इस देश ने कमाया था उसको बेचने लग रही है। तो मेरा यही कहना है कि आज जो हमारा 16 दिसंबर को रजांगला पार्क 11 बजे, वहाँ पर हमारा कार्यक्रम होगा। कमांडेंट आरके यादव हमारे प्रेसिडेंट हैं, हमारे सेक्रेटरी जनरल रामफल जी हैं, जनरल सेक्रेटरी जो है रामतार जी और कुलदीप जी हैं, और इसके साथ साथ मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ डॉक्टर उमा शंकर जी को भी, जिनके लिए हमने आज 2 मिनट का मौन रखा था, जो हमारे सेक्रेटरी जनरल रहे, वाइस चांसलर थे, उनको भी हमने आज उनकी कमी हमें बहुत अखर रही है, समाज सेवी थे, तो मैं उनको भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।
यही मैंने बात कहनी थी। आपने कैप्टन यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उनके गंभीर आरोप सुने, अब सुनिए कौशल विकास निगम पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उठाए गए सवाल पर क्या बोले कैप्टन। जो ये जो कौशल निगम है ये तो एक छलवा है, इसमें जो है एक साल के लिए केवल नौकरी देते हैं उसके बाद अपने घर भेज देते हैं। हमारे टाइम में जो कच्चे कर्मचारी थे जैसे पब्लिक हेल्थ में, उनको आज 13-14 साल हो गए आज तक लगे हुए। यहाँ तो कौशल निगम में तो कॉन्ट्रैक्ट है एक साल का, एक साल के बाद कहते हैं छुट्टी। तो जो बात हुड्डा साहब ने कही है वो सही कही है, बात कही है। और मैं समझता हूँ कि इस बार कैप्टन अभिमन्यु भी सुन लें और खट्टर साहब भी सुन लें और नायब सैनी भी सुन लें, इस बार कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनेगी। अब जो तीन राज्यों में चुनाव है, जैसा बीजेपी बोलते थे बीजेपी की नीतियां खराब है, तीन राज्यों में जो चुनाव परिणाम आए बीजेपी के फेवर में आए, तो उसी को लेके ये कह रहे हैं कि हरियाणा में उसका लोकसभा। ये तेलंगाना को भूल जाते हैं आप लोग, वहां पर हमने बंपर जीत करी है और 70 सीट हमने जो है राजस्थान में भी ली है। ये नहीं है कि, और वहां पर तो उनको अब उनकी जो है कर्मचारियों की पेंशन बंद हो जाएगी, जो पेंशन वो जो अशोक गहलोत जी ने दी थी उनको जो कर्मचारी हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि वहाँ पर भी वो छत्तीसगढ़ में 35 सीट आई है हमारी और वहाँ पर जो है 16 जगह 300 से कम हार हुई है, तो वो किसका कमाल है? ईवीएम का कमाल है। यानी कि आप देखिए 2 बजे 35 और 54 थे और कह रहे थे कि अभी 16 या 20 सीट ऐसी हैं जहां 300 से कम गिनती होनी है और 95% कई जो है मशीनें कहते हैं कि वो उनके जो है सैली वीक नहीं हुए, 95% चार्ज थी। तो ईवीएम पर भी प्रश्न चिन्ह लगने लगा है और जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में दायर भी कर रखी है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का गला घोट रही है। आज ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है और बात करते हैं कि मैं चाय बेचता था, चाय नहीं इन्होंने तो देश बेच दिया। जो कांग्रेसी नेता है वहाँ पे उन पे वो रेट पड़ी 200 करोड़ रुपए कुछ अभी भी काउंटिंग। हाँ तो अरे भैया अगला जो है कारोबारी है उसके बारे में डिटेल में उससे पूछताछ करो, हम कब मना कर रहे हैं कि पैसा किसका है? उसका तो बहुत अरबों खरबों का उसका काम है, उसका काम है जो आप देना। कांग्रेस पार्टी ने का पैसा थोड़ी ना, इंडिविजुअल आदमी वहाँ का एमपी है वो अपना जवाब देगा। इनकम टैक्स वालों का काम है जवाब दे भी लेना, ईडी है अपना जवाब दे भी लें, लॉ विल टेक इट्स ऑन कोर्स। पिछली बार हमारा कुछ संगठन था क्या? 31 सीट ले गए थे हम। और आपको बताना चाहूंगा 20 सीटें ऐसी थी जिन लोगों की टिकट काट दी, पिछली बार मेरिट के आधार पर टिकट नहीं थी वरना हमारी 51 सीट आनी थी पिछली बार। और हमारा संगठन जो है ब्लॉक लेवल तक बूथ लेवल तक हमारे जो प्रवेशक आए हुए हैं और काम चल रहा है, हमारे यहाँ रेवाड़ी में भी चल रहा है काम, बावड़ों में भी चल रहा है, कोसली में भी चल रहा है। ये नहीं कि नहीं चल रहा है, सिर्फ जिले के अध्यक्षों की घोषणा होनी है लेकिन ब्लॉक लेवल पे हर 30 या 40 बूथ के ऊपर एक ब्लॉक अध्यक्ष बनेगा, हर 10 या 15 के ऊपर सेक्टर का अध्यक्ष बनेगा और बीएलए बनेंगे, बूथ लेवल की कमेटी बनेगी, सारा काम जो है वो चल रहा है। कब तक उम्मीद है? क्योंकि काफी दिनों ये तो ऑलमोस्ट तैयार है नीचे ब्लॉक लेवल तक का, यहाँ का जल्दी जैसे ही अभी ये चुनाव खत्म हुए हैं अभी समीक्षा चल रही है, ये जो हमारे 3 प्रदेश जहाँ हार हुई है वहाँ समीक्षा हो रही है और वहाँ पर जो है आपको पता है सीएलपी लीडर भी नियुक्त करने हैं, तो उसके बाद करेंगे। देखिए ऐसा है वहाँ पर जो मध्य प्रदेश है उसके बारे में मैं जानता हूँ, 230 सीट में से 95 सीट दी है स्वर्ण जाति के लोगों जिनकी आबादी 22 से 25% है
और 230 में से 54 सीट दी है ओबीसी को, उनको दी है 25%। अगर 80-85 सीट अगर इन्होंने ओबीसी 54 दिए, 54 से बढ़ाकर 80-85 कर देते तो सोशल इंजीनियरिंग वहाँ हो जाती और हमारी जीत सुनिश्चित होनी थी। तो वहाँ पर जो है टिकट वितरण में उसकी समीक्षा की जा रही है कि किसकी गलती किसकी गलती नहीं है, उसके बारे में भी कार्य किया जा रहा है। और एक बात आपको मैं बता देता हूँ, जातीय जनगणना के बारे में ये प्रचार किया जा रहा है ये केवल ओबीसी के लिए फायदा है, ओबीसी का अकेले का फायदा नहीं है। स्वर्ण जाति ईडब्ल्यू उसमें 10% आरक्षण मिलता है, उसमें सबसे गरीब आदमी कौन है वो कैसे पता लगेगा, वो जातीय जनगणना से पता लगेगा। पंजाबी समाज में ब्राह्मण समाज सबसे गरीब आदमी कौन है, किसके पास कच्चा मकान है किसके पास पक्का मकान है, ओबीसी के अंदर जो है कौन सी ऐसी कास्ट हैं जैसे नाई धोबी तेली हैं जो MLA विधायक नहीं बन सकते, उनके लिए आप अलग स्कीम फॉर्मेट करेंगे। आप एससी के अंदर कई ऐसी जातियाँ हैं, धान का खटी का ऐसे लोग हैं, उनको आप राज्यसभा में या कहीं चेयरमैन बोर्ड के अंदर। तो जब तक आपके पास डाटा नहीं मिलेगा आपको, चाहे वो ट्राइबल हों चाहे ओबीसी के हों, जाति जनगणना मोदी जी कहते हैं युवा किसान और गरीब और महिला चार लोगों को वर्णों में बांटा है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आप कौन सी महिला को आप स्कॉलरशिप देंगे, कौन सी महिला को आप मकान देंगे, जब तक आपके पास डाटा नहीं होगा। डाटा किससे होगा, कहते हैं भी जाति क्यों रहा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो सर्वेक्षण है वो जातीय सर्वेक्षण है, इससे कोई समाज बट नहीं रहा बल्कि समाज का भला होगा। तो सबसे गरीब आदमी है उसको उसकी भलाई के लिए कार्य होगा।